मेरा नाम चवंग नोफिल है। मैंने आज तक 15 आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए और लोग मुझे आइसमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। लद्दाखी में कहावत है, भूप ना सास्तेन, मतलब अगर इंसान गिर जाए तो मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है। लद्दाख टूरिज्म के लिए एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है, लेकिन एग्रीकल्चर ही एक ऐसा चीज है जिस पर हम सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का असली मसला जो है ना, वो पानी का है। मैं बचपन में एक ऐसे जमाने से गुजरा जब यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे सामने जो नदी है उसमें इतना पानी आ जाता था, हमारा माँ बाप लोग कहते थे कि 4 बजे के बाद उधर बिल्कुल वहां नहीं जाना। अभी तो ये बिल्कुल सूख गया है, और साथ साथ ही यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर जो सब खत्म हो गया है, पीक में थोड़ा सा व्हाइट स्पॉट दिखाई देता है। सर्दियों में इतना पानी वेस्ट हो जाता है, मैं यही सोचता हूँ कि इस पानी को कैसे कंजर्व करें। इंसान दिन रात सोचता है तो कुछ ना कुछ आइडिया आ ही जाता है। एक दिन मैंने देखा मेरे घर के सामने जो पानी का नल है उससे धीरे धीरे पानी गिर रहा है, और वो जो पानी एक जगह इकट्ठा होकर कुछ टाइम में जम गया और एक आइस का पूल सा बन जाता है, बिल्कुल एक ग्लेशियर की तरह। तो मैंने नल के पानी से इंस्पिरेशन लेकर सोचा कि इसी तरह पहाड़ से जो मेन स्ट्रीम आता है उसके फ्लो को स्लो कर दूं और उसे एक जगह पर स्टोर कर दूं तो वो एक ग्लेशियर जैसा बन सकता है। इस तरह मैंने इस पानी को डाइवर्ट करके छोटे छोटे डैम में जमा किया, जिससे वो फ्रीज होके आइस बन गया। समर में ये पानी पिघल के एग्रीकल्चर में काम आ जाता है। तो ये आइडिया लेके मैंने 15 आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए। स्टार्टिंग में तो कई कई लोगों को यकीन ही नहीं आया, वो हंसने लगे, बोले ये पगल क्या बातें कर रहे हैं। किसी के दिमाग में ही नहीं था कि ये किसान का लड़का भी तो ऐसा काम करेगा। एक किस्म का तो हमने नेचर को थोड़ा चैलेंज जैसा दे दिया है। जितना भी यंगर जनरेशन है उनको पानी का वैल्यू जानना चाहिए। एक करके छोड़ना नहीं है, चाहे लोग साथ दे ना दे, अपना तरफ से कोशिश करना है। अभी मैं 80 ईयर्स का हूं, मैंने जो कुछ किया है थोड़ा कुछ लोगों के काम में आ गया है। जो अपने मजबूत इरादों से कुछ बड़ा कर जाते हैं, हर रोज हमें गर्व का एहसास कराते हैं, वही लोग इनविंसिबल इंडियंस कहलाते हैं। INS विक्रांत के फौलाद से बना वी ऐसे लोगों को सल्यूट करता है और आपसे अपील करता है कि इनकी कहानियों को शेयर करें। आपके आसपास भी ऐसे इनविंसिबल इंडियंस हों तो हमें बताएं, हम उनकी कहानियां देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे।